Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute Marine Engineering Lecture Series. This is our 13th lecture on 12-hour marathon Marine Engineering Lecture Series. So in this lectures, we will going to deal with two important things. First thing is golden rules to crack any technical interview. Yes, any technical interview, or we can say how to crack any technical interview. Second thing is mostly always and frequently asked question from auxiliary machines, which is always asked by any surveyor or interviewer. So, aaj main in two topics pe baat karunga. First one is some golden rules to crack any technical interview, and second one is some important questions of your auxiliary machines, which is mostly always and frequently asked by any surveyor. Okay, so सबसे पहले मैं 5 to 7-8 minutes में आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं, एंड ऑल दोज रूल्स आर गोल्डन रूल्स, और वी कैन से सम गोल्डन रूल्स टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यू. ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, ओके, मैं उन टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो आपके लिए किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प करेगी. ओके, क्रैक करने में हेल्प करेंगे. मेरी ये जो लेक्चर्स अभी आप जो देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो ये लेक्चर्स देख लूंगा तो मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर लूंगा, तो ऐसा भी नहीं है. मैं ऐसा नहीं है कि ये सारी कंटेंट घोल बनाकर आपको पिला सकता हूं, आपको वो खुद पीनी होगी. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट. आप जो काम कर रहे हो आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए. मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा. सपोज एक एग्जाम्पल आप लोग जॉब करने वाले लोग, एंड एक एग्जाम्पल आप एंटरप्रेन्योरशिप लो, या वी कैन से बिजनेसमैन. ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा एक जॉब करने वाला बंदा जो होता है, ओके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाले बंदे जो होते हैं, आपने अगर कुछ नंबर्स ऑफ दोनों एस्पिरेंट्स की, अगर मैं कुछ नंबर्स लूं, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं. क्यों जल्दी ग्रो करते हैं, रीजन क्या होता है? जॉब वाले लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं वो ग्रो नहीं करते, वो स्टक हो जाते हैं, नो, लेकिन एक अगर आप रेशियो में देखो ना, अगर आप एक नंबर उठाते हो एंड अगर आप रेशियो देखो, तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग जल्दी ग्रोथ करते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग रहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जो काम करते हैं उनसे वो प्यार करते हैं, लव करते हैं, लव होती है, अफेक्शन होती है, बट काफी वो लोग पैशनेट होते हैं. बट जॉब वाले लोग होते हैं मोस्टली, या यस लोग तो हैं ऐसे जो लाइक यस मैं कर रहा हूं, यस मैं कर रहा हूं, लाइक जैसे आप ट्रेनिंग कॉलेज में हो, यस मैं ट्रेनिंग कॉलेज में हूं, फोर्थ ईयर में हो, यस मैं फोर्थ ईयर में हूं. तो फर्स्ट थिंग है आपको इंटरेस्ट डेवलप करनी होगी. एक यही मेन डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब वाले पीपल में. जॉब वाले पीपल जरूरी है कि वो अपने इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, यस वो काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग भी हो रही है, बट वो जरूरी नहीं कि वो एक इंटरेस्ट के साथ काम करें. बट एंटरप्रेन्योरशिप इंटरेस्ट के साथ वो लोग काम करते हैं. ओके, वो भी थकते हैं, ये लोग भी थक रहे हैं, बट वो इंजॉय करके काम कर रहे हैं. ये लोग जरूरी नहीं कि हर जॉब वाले जरूरी नहीं कि वो लोग इंजॉय करके काम करते हैं. स्ट्रगल तो दोनों में, स्ट्रगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं. तो सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार करो. सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने ये क्यों बात बोली है, फर्स्ट पॉइंट क्यों रखा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मनी नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मनी नहीं लग रहा है, किसको पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है एक अच्छी कंपनी में जाए, एक अच्छी कंपनी में जॉब ले, सेलिंग स्टार्ट करे, कुछ साल सेल करे, पैसे कमाए, हर किसी को पसंद है. मैं उन बातों पर बात करता हूं जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है. मैं स्टूडेंट्स के जड़ों को पकड़ता हूं. ओके, मैं 10 साल एक्सपीरियंस नहीं है, 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं पता है कि कहां स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं, उनकी जड़ क्या है, मैं वो चीज पकड़ता हूं. सो सबसे पहले है इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट डेवलप करनी होगी. आप रिग्रेट मत करो अगर आप फोर्थ ईयर में आओगे. बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, यार वो ब्रांच ज्वाइन करना था, यार वहां जाना था, यार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी, यार मुझे ये करना था, यार बेकार आ गया इस फील्ड में. अगर ये सब अगर आप बोलोगे तो आपकी तो इंटरेस्ट ही नहीं है. तो सिंपल सी बात है, आपकी मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, आपकी लव नहीं है. तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाओ, तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगी. सबसे पहले तो प्राइमरी रीजन ही है. ओके, तो आपको इंटरेस्ट जगानी है. जो भी युवा लाइफ में, उसको आपको रिग्रेट नहीं करना है. आप आगे बढ़ो, इंटरेस्ट जगाओ, पढ़ाई करो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड रूल, ओके, इंपॉर्टेंट रूल, सिंपल है. अगर आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन पर्सनालिटी काफी मैटर करती है, एंड ये टोटली आपके हाथ में है. ओके, सेकेंड थिंग, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दो.
थर्ड थिंग, ओके थर्ड थिंग, गलतियां हम कहां करते हैं, गलतियों से सीखो, ओके okay? कंपनी आई, कॉलेज में कंपनी आई, ओके शॉर्टलिस्टेड आप हुए, अगेन लकी, ओके आप बहुत लकी हो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, उन 200 लोगों में 15 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, आप भी हुए हो, तो आप काफी लकी हो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, कंग्रेचुलेशन, ओके नाउ आपने रिटर्न एग्जाम दिया, चलो अच्छे थे, टेक्निकल अच्छा था, लाइक आपने रिटर्न एग्जाम भी पास किया, एप्टी वगैरह आपकी अच्छी थी, आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्या होते हैं, लोग टेक्निकल पढ़ते हैं, जम के पढ़े, अच्छा है टेक्निकल, गुड, ओके पर्सनल प्रिपरेशन करते हैं, अगेन वेरी गुड, ओके दोनों करनी चाहिए, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, स्टूडेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं, एंड उन टॉपिक से ही आपकी डिसाइड होती है इंटरव्यू। ये आपको मजाक लग रहा होगा, बट इन टॉपिक से जरूरी नहीं है कि आपकी इंटरव्यू डिसाइड होगी, नो ठीक है ये तो आपको करना ही करना है, बट एक टॉपिक जो आप मिसिंग कर रहे हो वो आपकी मेजर गलती है, एंड वो टॉपिक है कंपनी की वेबसाइट। यस सुनने में बहुत आसान लगता है यार, वेबसाइट में क्या है, सीईओ का नाम याद करना है, डायरेक्टर का नाम याद करना है, इस्टैब्लिशमेंट का भी फाउंडर कौन था, खत्म हो गया। और ये कब करते हैं, आप जब रास्ते में जा रहे होते हो तो अपने सेम एस्पिरेंट से पूछते हो, जो बंदा है वो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, यार बताओ यार सीईओ कौन था यार, डायरेक्टर कौन था यार, लग गए, ओके यहां प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले वेबसाइट में जाकर आपको करना क्या है, सीईओ, डायरेक्टर, फाउंडर, नंबर ऑफ वेसल्स, टाइप्स ऑफ वेसल्स, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए मौका मिला है ना, मीन्स आप लकी हो, खासकर इस टाइम में कोविड के टाइम में अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू तक रीच कर रहे हो, मीन्स आप लकी हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी खोना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको क्यों पढ़ना है। आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट में जाते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं ईपीएस, एस्टर्न पैसिफिक शिपिंग कंपनीज, ओके अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, मेनी मोर शिपिंग कंपनीज है, सबकी अपनी अलग अलग वेबसाइट है, सबकी अपनी अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, अवार्ड्स है, सपोज आप ईपीएस की कंपनी विजिट करते हो मीन्स वेबसाइट पे, ओके तो आप ऑब्जर्व करोगे लाइक अवार्ड्स होंगे, कुछ कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होंगे, ओके सो अगर अभी रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज ड्यूअल फ्यूल सिस्टम पूछ रहे हैं, ड्यूअल फ्यूल इंजन पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, वही कंपनी पूछ रहे हैं जिनके पास ड्यूअल फ्यूल इंजन आने वाली है, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपनी शिपिंग कंपनी में ड्यूअल फ्यूल इंजन, सिंपल सी बात, वही कंपनी आपको पूछेंगे। वेबसाइट पे सारी चीजें रहती है कि ड्यूअल फ्यूल इंजन 2022 में आएगी, या ड्यूअल फ्यूल इंजन हमारे लाइक शिपिंग कंपनी में 2020 में ही आ चुकी है, ओके तो आपको ये ड्यूअल फ्यूल इंजन पता होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि तुम कंपनीज के बारे में क्या जानते हो, आप बोलोगे यस सीईओ डायरेक्टर्स वगैरह बोलोगे, देन कंपनीज में भी पूछ सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हो, या अगर आपने पढ़ा पूरी वेबसाइट में कंपनीज के बारे में पढ़ा है, ओके तो सिंपल सी बात है, आपको अगर कंपनीज पूछेगी कि भाई कंपनीज के बारे में बताओ, तो आप सिंपल है आप स्टार्ट करोगे बताना, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, वेबसाइट में अच्छे से पढ़े हो, अवार्ड्स कितने अवार्ड्स लिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स लिए हैं रिसेंटली 2020-21, ओके या फ्यूचर 22 में क्या प्लानिंग है, 23 में क्या प्लानिंग है, लास्ट 4-5 years के बारे में पढ़े हो, तो आप एक कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दोगे, एंड आप वहां पर डायरेक्टली फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर में ही नहीं रुकोगे, आप डेफिनेटली कुछ आगे 1 or 2 line बोलोगे, जहां से इंटरव्यूअर फिर वहां से क्वेश्चंस आपको पूछेगा, एंड मार्क माय वर्ड, अगर आप कंपनीज के वेबसाइट के बारे में काफी कॉन्फिडेंट हो, उनमें लाइक लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कॉन्फिडेंट हो, एंड अगर आपकी पर्सनल इंटरव्यू अगर उतनी अच्छी नहीं ली गई हो, या टेक्निकल में अगर आप 50% भी जवाब दियो, तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत हो जाती है, क्योंकि यहां अगेन फर्स्ट फैक्टर आती है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है, हमारे कंपनीज में इंटरेस्टेड है, हमारे कंपनीज के बारे में काफी चीजें जान रहा है, तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस यहां बढ़ जाती है, क्लियर। तो खुद को जेसीबी बनाओ, जेसीबी क्या करता है, वो खोदता है, तो खुद को क्या करो, खोदना स्टार्ट करो, टेक्निकल भी पढ़ो, पर्सनल की भी तैयारी करो, वेबसाइट की भी तैयारी, लाइक वेबसाइट जो कंपनीज की है उसकी भी प्रिपरेशन करके जाओ, टाइम दो, इसे भी टाइम दो, नहीं देते तो स्टार्ट कर दो देना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, ओके नेक्स्ट थिंग मैं बात करूंगा टेक्निकल, ओके टेक्निकल नॉलेज,
ओके अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप पर्सनल लाइक बातें करके निकाल दिए, कंपनीज की वेबसाइट अच्छे से पढ़ाई की हो तो वहां से भी टेक्निकल डिसाइड होती है। अब जो जो कंपनीज के वेबसाइट में कुछ एक दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे में है इतनी। नेक्स्ट फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज की क्या करनी है? सो टेक्निकल नॉलेज के लिए अगर आप 1.5 ईयर बैक जाओगे ओके, तो आपको बहुत ही कम कंटेंट मिलती यूट्यूब में मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड। एक मरीन इंजीनियरिंग ये ऐसा ब्रांच था 1.5 ईयर पहले जहां पर बहुत ही कम कंटेंट है। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा अभी बहुत कंटेंट है, अभी भी एक मरीन इंजीनियरिंग अपने इंजीनियरिंग ब्रांच में, एक मरीन इंजीनियरिंग ही ब्रांच है जहां पर कंटेंट की काफी कमियां, मींस एजुकेशनल अगर मैं बात करूं कंटेंट की फॉर मरीन इंजीनियर्स काफी कमियां है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइक स्टूडेंट भाई तुम क्लास में एक बार मरीन ऑक्सिलरी मशीन पढ़ा, फैकल्टी या फ्रेश वाटर जनरेटर पढ़ा के चले गए, एग्री ओके, किसी की उतनी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगी ओके मैं किसी कॉलेज को नहीं बोल रहा बट यस ये ट्रुथ है ओके, कॉलेज में पूरी फंडा क्लियर नहीं हो पाएगी तुम्हारी ओके, तो लोग रिफ्रेंस ढूंढते हैं यार कोई वीडियो मिल जाए, कोई वेबसाइट मिल जाए ओके। तो ऐसी अगर मैं बोलूं वेल सेटल्ड कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है, बट अगर एजुकेशनल लाइक वीडियोस की बात करूं तो काफी कम है। लेकिन इन एक साल में मैंने काफी वीडियोस ट्राई किया आपको डिलीवर करने के लिए, काफी अच्छे अच्छे कंटेंट दिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स से पता कर सकते हो, काफी लोगों में कॉन्फिडेंट डेवलप हुई ओके। तो वो कॉन्फिडेंट आपको डेवलप करनी है, तो वो कॉन्फिडेंट आप कैसे डेवलप करेंगे? मेरे जितने लेक्चर्स हैं आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मेरे जितने लेक्चर्स हैं आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आप वन मंथ एक महीने या दो महीने के अंदर आप में कॉन्फिडेंट दिखेगी ओके। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नीचे लोगों के कमेंट्स बोल रहे हैं, आप जाओ उनकी फीडबैक देखो, लोगों के कॉन्फिडेंस गेन हुए हैं, लोगों ने एग्जाम्स क्लियर किया है, लोगों ने मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू की एग्जाम्स क्लियर किए हैं, लोगों ने एमईओ क्लास 4 ओरल्स क्लियर किए हैं, आप देख सकते हो सारी फीडबैक नीचे है। तो आपको टेक्निकल नॉलेज में मरीन ट्यूटर के साथ जुड़नी होगी, यस आपको टेक्निकल नॉलेज में मरीन ट्यूटर के साथ जुड़नी होगी। मेरी अपनी लाइक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे इंस्टाग्राम लाइक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, वहां मैं कंटेंट फीड करते रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोस एंड लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मैं फीड करते रहता हूँ ओके। तो ये फोर्थ है आपको टेक्निकल नॉलेज जो होगी आपको ग्रो करनी होगी अपनी ओके, टेक्निकल नॉलेज इनहांस करनी होगी। जो भी डाउट्स आते हैं आप टेलीग्राम में पोस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके, डिस्कशन करो ओके, स्टार्ट करना करो डिस्कशन। सपोज आपको इंटरव्यू में पूछते हैं यार व्हाट इज ट्रांसफार्मर, आपने बोला यार ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स और व्हिच ट्रांसफर वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हिच इज वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। आपने डेफिनेशन तो बोल दिया बट इंटरव्यू में डेफिनेशन आप भूल सकते हैं या आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, तो इसके लिए आप डिस्कशन स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि आपको जो डेफिनेशन याद है वो आप इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर पाओगे, एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है प्लीज मार्क माई वर्ड, मेरी एक एक पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर आपके साथ ऐसा होता है लाइक दोस्तों में या लाइक मन में इंटरव्यू से पहले आप खुद से क्वेश्चंस पूछते हो, एक्सप्लेन दी फ्रेश वाटर जनरेटर सिस्टम, आपने बोल दिया फ्रेश वाटर जनरेटर सिस्टम, बट इंटरव्यू में वही इंटरव्यूअर ने पूछा यार एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर, आप नहीं बोल पाए, मीन्स डिस्कशन की कमी है, लैग है यहाँ पर, किस चीज की? डिस्कशन की। लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करो, कॉलेज में हो तो एक ग्रुप बनाओ, तीन चार लोगों की ग्रुप बनाओ एंड वीकली वन या दो टाइम एक घंटा दो और डिस्कस करो ओके। अगर बाहर हो लाइक अभी तो बहुत सारा थर्ड ईयर की क्लासेस सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरी ओके, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां डिस्कस करो, हेल्दी प्लेटफॉर्म बनाओ ओके। तो ये सब अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर करोगे, नो डाउट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आज की टॉपिक 13th लेक्चर मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स ओके। सो मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स की अगर मैं बात करूं ओके, सो मेरी मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स की अलग से प्लेलिस्ट है जहां पर काफी वीडियोस हैं ओके, फ्रेश वाटर जनरेटर की वीडियो है, इंसिनरेटर की वीडियो है, ओडब्ल्यूएस की वीडियो है, पंप्स की वीडियो है ओके, स्टीयरिंग गियर की वीडियो है, आप वो वीडियो आपको देखनी होगी। मैंने यहां पर क्यों बोला वो आपको वीडियो देखनी होगी, सबसे पहले हम लोगों ने मैराथन लेक्चर्स में क्या किया था, आईसी इंजिन की टॉपिक लिया था, दैट इज मरीन आईसी इंजिन।
उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिकल्स के टॉपिक्स पे, जो मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है नाउडे, उन सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। उसके बाद हम लोगों ने बॉयलर्स पे क्वेश्चंस किया, मरीन एयर कंप्रेसर्स पे क्वेश्चंस किया। अब क्या है, लाइक मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स की पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस ओनली मैं डिस्कस करूंगा, आंसर आपको मेरे वीडियोस से मिलेगी, क्योंकि मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट होती है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होती है, जहां से इंटरव्यूअर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, आप उन सारे वीडियोस को देखो, ओके। एंड उन वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोग, एक नहीं दो ने, काफी लोगों ने एमयू क्लास फोर ओरल्स अपनी क्लियर किया, एंड मरीन इंजीनियरिंग की इंटरव्यू तो काफी लोगों ने क्लियर किया है, प्रेस्टिजियस कंपनीज में लोग प्लेस्ड हुए हैं, ओके। तो आपको वो लेक्चर्स देखनी पड़ेगी, ओके। एंड इसके बाद मैं आऊंगा डायरेक्ट फायर और आईजी सिस्टम पे, जो अगेन मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस है, सपोज मरीन प्यूरिफायर की कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली आप क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफायर, आपको मेरी लेक्चर में मिल जाएगी, ओके। समटाइम्स सर्वेयर आस्क्ड यू व्हाई प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यस व्हाई प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ओके। एक्सप्लेन द लॉ ऑन व्हिच प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस, ओके। एक्सप्लेन द लॉ दैट इज योर सेपरेटिंग फोर्स, दैट इज पाई बाय 6 डी क्यूब, डिफरेंस बिटवीन योर डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ऑयल इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो, सेपरेटिंग फोर्स, ओके। प्यूरिफायर स्टार्ट ओवर फ्लोइंग, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज फॉर इट, प्लीज नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंपनी में पूछी गई है, ओके। फंक्शन ऑफ पेयरिंग डिस्क इन प्यूरिफायर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द क्लच इन प्यूरिफायर, एमएससी में रिसेंटली अगर आपको आई डोंट नो पता है या पता नहीं, अभी रिसेंटली एमएससी ने अपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी, आई डोंट नो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है, बट 10 या 15 डेज पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थी, जहां से काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो दो लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन सारे शेयर की। तो एक क्वेश्चन यही था, लाइक व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग द क्लच इन प्यूरिफायर, एंड इसकी मेरी सेपरेट लेक्चर है, यस। मैं उन्हीं लेक्चर्स पे काम करता हूं, मैं उन्हीं वीडियोस पे काम करता हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पंप क्वेश्चन, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाई प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेरी मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाई इज प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाट इज एनपीएसएस, दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, अगेन सारी लेक्चर्स अवेलेबल है, ओके। व्हाट इज कैविटेशंस, कॉजेज ऑफ पंप कैविटेशंस, व्हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप कांट एबल टू लिफ्ट द लिक्विड व्हेन इट केसिंग इज फिल्ड विद एयर, अगेन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, ओके। रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन VCRS, एक्सप्लेन TEV, दैट इज थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व एंड इट्स फंक्शन, सेफ्टी इज प्रोवाइडेड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आफ्टर दैट लाइक जनरली ऑफलाइन इंटरव्यू में काफी टाइम ऐसा होता है, लाइन डायग्राम ऑन बोर्ड शिप्स लाइक कुछ पूछते हैं, लाइक आपको इंटरव्यूअर ने पूछा, ओके ल्यूब ऑयल लाइन डायग्राम मीन्स टू स्ट्रोक ल्यूब ऑयल लाइन डायग्राम ऑफ मीन्स बताओ, ओके एक्सप्लेन करो या ड्रॉ करो, तो आपने लाइक आधा अधूरा ड्रॉ किया। नेक्स्ट कैंडिडेट आते हैं, उनसे पूछेंगे कि लाइक लास्ट बंदे ने जो लाइक डायग्राम ड्रॉ किया है, क्या वो डायग्राम सही है, सही नहीं है तो कहाँ करेक्शन होनी चाहिए, या उस डायग्राम को कंप्लीट करो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऑफलाइन में, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। लाइन डायग्राम पूरी मेरी लेक्चर्स अलग से इसकी प्लेलिस्ट है, आप जा देख सकते हैं, क्लियर। चलो फ्रेश वाटर जनरेटर, वेरी कॉमनली क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर, ओके। वैक्यूम कैसे क्रिएट की जा रही है, ओके। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगेन OWS, इंजीनियर एंड STP, इसकी आपकी एनेक्सेस भी काफी अच्छे से याद होनी चाहिए, मार्कोल एनेक्सेस भी काफी अच्छे से इसकी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स में प्रोवाइड की है। तो ये आज की लेक्चर्स थी, आज की लेक्चर्स में आपको दो चीजें बताया, फर्स्ट थिंग इज गोल्डन रूल टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यू, एंड सेकेंड इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स बाय सर्वेयर और इंटरव्यू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल होती है तो मुझे टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्म करो, मैं नेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। थर्ड, मेरे इंस्टाग्राम पेज से आप कनेक्ट हो, ओके। टेक्निकल नॉलेज आप इंप्रूव करो,
मरीन ई ट्यूटर के साथ आप जुड़े रहो। आपको कितनी वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ओके सो आज की लेक्चर्स में यहां पर खत्म करता हूं। ओके सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद मरीन ई ट्यूटर। थैंक यू।